कदम उठाए करना है प्रारंभ, आओ कदम बढ़ाए करना है प्रारंभ, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए पसारेंगे, धरती पे सूर्य उतारेंगे, आंधी आए या तूफान हिम्मत न हारेंगे, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए कौन बताएगा जी कहाँ लिखा है? अब्दुल्ला चाचा तुम बताओ कहाँ लिखा है? मेरा मेरा हा भारत भारत महान मेरा भारत महान। अरे तुमने तो कमाल कर दिया अब्दुल्ला चाचा। कर दिया ना कमाल, हम तो जब करते हैं कमाल ही करते हैं। रामकले तुम बताओ कहा लिखा है? है मैं हम दैप मात्रा दो दो हम दो हमारे दो। तुम सब तो बहुत होशियार हो गए। अजी हाँ हो गए, यो क्या होशियार होगा, इसे तो होशियार किया इसकी घरवाली ने और उसे भी होशियार किया सरिता ने। ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा है हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। करेंगी ना? हाँ करेंगी। जरूर जरूर। शाबाश, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे देश का नाम कैसे रोशन होगा? जब हम खुद पढ़ेंगी। हाँ, और फिर अपनी बेटियों ने पढ़ावेंगी। और जब हमारी बेटियां बड़ी अफसर बनेंगी तब हमारे देश का नाम रोशन होगा। शाबाश, तो आप सबने फैसला किया है कि आप अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हाँ, जरूर। ठीक है, तो हम सब मिलकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इसी इरादे के साथ आज का पाठ यहीं खत्म। हरि, ये खेत देख रहे हो कैसे लहलहा रहे हैं? ये सब हमारी पढ़ाई के कारण हुआ है। अरे इन शहरी अफसर लोगों ने सही मायनों में हमें खेतों से सोना उगाना सिखाया। तू ठीक कहता है हरी, ये वही खेत है जहाँ कुछ समय पहले तू अपना पसीना बहाता था, खूब मेहनत करता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। तेरा पसीना जाया जाता था, बेकार जाता था। तू सच कह रही है सरिता, रजनी दीदी ने हमारी आंखें खोल दी, हमें खेती करने के नए वैज्ञानिक तरीके बताए। अरे उसी का तो परिणाम है जो आज हम देख रहे हैं। अब मालूम पड़ा कि शिक्षा कितनी जरूरी होती है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मुझे तो लगता है कि शिक्षा के बिना जीवन बेकार, बिल्कुल बेकार। क्यों? तो सही कह रही है, अब हम इस अज्ञान के अंधेरे को गाँव से पूरी तरह भगा देंगे। हाँ, और ये काम हम करेंगे। हाँ ये काम हम करेंगे और मिलके करेंगे। हरी एक वादा करेगा? कैसा वादा? तू मुझसे प्यार करता है ना? करूं, बहुत प्यार करूं। तो आज हम कसम खाते हैं,
कि हम दोनों जीवन भर लोगों को पढ़ाएंगे, अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझकर। मैं वादा करता हूं। अच्छा मैं कुछ लाया हूं। क्या लाया है? देख कैसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसका है? अभी तक है तो मेरा, पर मैं चाहूं कि कोई इसे अपना ले। वो कोई इसे अपनाने के लिए तैयार है। सच? सच। अपना वादा मत भूलना। नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। खास तेरा ध्यान रख के लाया हूं। ये देख नगीना में। भाई हमने कुछ नहीं देखा। हाँ हाँ हमने कुछ नहीं देखा। किसने किसको छल्ला पहनाया हमको कुछ नहीं पता। अरे रमन भैया, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। दीदी अब बस भी करो ना दीदी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या सजा देना चाहते हैं आप लोग? अब तुम्हें साक्षरता मिशन में हमेशा हमारे साथ रहना होगा। हम जहाँ भी जाएंगे तुम हमारे साथ चलोगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। वैसे तुम दोनों की ये नौटंकी चल कब से रही है? जी कोई 4-6 महीना से। गांव में किसी को पता है? थोड़ा थोड़ा शक है। ठीक है अब जल्दी ही गांव वालों का शक यकीन में बदल जाएगा। नहीं दीदी ऐसा कुछ मत करना, अभी अभी किसी को पता ना चलने देना। अच्छा ठीक है, और अभी किसी को पता ना चलने देने का इनाम? जो आप मांगो। ठीक है, हमारा इनाम तुम पे उधार रहा, जब वक्त आएगा मांग लेंगे। अब हम चलते हैं। चलो रनु। रश्मि आइए। देखा पकड़े गए ना? पकड़े गए क्या, कचोरी कर रहे थे। एक दिन तुझे सबके सामने अपना बनाना। नमस्कार, राम राम। भाइयों और बहनों, प्रारंभ नौटंकी टीम आज एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती है। आप सब लोग नाटक देखने को तैयार हैं? हमारा प्रयास है कि हम आप लोगों का मनोरंजन तो करें ही करें, साथ ही आपको ये भी बताने का प्रयास करें कि जीवन में शिक्षित होना कितना जरूरी है। तो आज का नाटक शुरू हो उससे पहले हर बार की तरह एक रंगारंग नाच। अरे साली जी मैं मेला देखने जा रहा हूँ। रुको रुको मैं भी तारे साथ चालू ली। अरे ना ना बावड़ी तू के कर सी ना, मैं भी तारे साथ मेला देखू ली। साची कहते थारा मन की थारी बीजा पे निजर कहीं अटकी। बगीचा जब बढ़िया जलेबी भारी रस के अरे साथ चलो ले मारे जच के। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का नाटक। रामपुर गांव में रहता था एक ब्राह्मण, 3 बेटे उसके करता उनका पालन पोषण। रामपुर गांव में रहता था एक ब्राह्मण, 3 बेटे उसके करता उनका पालन पोषण। ब्राह्मण दिन भर मेहनत करता, मुश्किल से वो पेट भरता। भैया अब तो तेरी गोती गई। अरे आज मैं हार गया छोटू। भैया
जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। इस जीवन में कोई रोता है कोई हंसता है। चल तेरी बारी है, चल। धर्म पे छोटू ये बात तो तेरी ठीक है, खेल में कोई तो हारेगा ही। बच्चों, अरे तुम लोग दिन भर बैठे चौसर ही खेलते रहोगे, अपने पिता के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? अरे अम्मा, मेहनत करने से क्या होवेगा है, और फिर जो हमारे भाग्य में लिखा होवेगा हमें वही तो मिलेगा। क्यों भाइयों? और अम्मा, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। अरे हम काम की चिंता क्यों करें, आराम करो। बेटा, मेहनत से ही इंसान को कुछ हासिल होता है, घर बैठे किसी का भाग्य नहीं चमकता। अपने पिताजी को देखो, दिन भर तुम लोगों के लिए खेतों में मेहनत करते रहते हैं। और मैं तो पिताजी से देखो बेकार में मेहनत करें। धर्म से अगर हमारे भाग्य में अच्छे दिन लिखे होंगे तो कौन रोक सकता है? अरे अम्मा, तू हमारी फिक्र मत कर, देने वाला तो ऊपर बैठा है, जब जिसे देना होगा देगा और जिसे नहीं देना होगा नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने पिता के रहते खेती बाड़ी का काम सीख लो। अरे भगवान की दी हुई हमारे पास जितनी जमीन है उसमें तुम तीनों का गुजारा हो जाएगा। अरे अम्मा, ये जरा सी जमीन से कुछ नहीं होवेगा। अरे हमारे भाग्य में बहुत धन है, हम लोगों ने तो बहुत अमीर बनना है अमीर। और वैसे भी अम्मा, ये मेहनत वेहनत करना हमारे बस का ना है, काम वाम हमसे ना होवेगा, तो आराम करना चाहे आराम। अम्मा, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, आज कले सो कल कल, कल कले सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना बलता। भगवान इन्हें कुछ ज्ञान दे, कुछ बुद्धि दे, जिससे ये अपने पिता का काम संभाल सके, उसकी खेती बाड़ी में हाथ बटा सके। ये अम्मा भी सठिया गई है, कहती काम करो काम करो मेहनत करो। धर्म से चौसर खेलने में कितनी मेहनत लगे अम्मा को क्या मालूम। अरे अम्मा ने कभी मेहनत की हो तो जाने, बुढ़ापे में सठिया गई है, बावड़ी हो गई है बावड़ी। भैया, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। आराम करो आराम करो। बेटे तीनों ब्राह्मण के भाग्य भरोसे रहते, जिस कारण पति और पत्नी दोनों चिंतित होते, दोनों चिंतित होते और एक दूजे से कहते। अरे दोनों चिंतित होते और एक दूजे से कहते। मैं तो इन तीनों को समझाकर हार गई, चिकने घड़े की तरह इन पर किसी बात का असर ही नहीं होता। मुझे भी तो इन तीनों की चिंता खाए जा रही है भगवान, क्या करें। अगर इनका यही हाल रहा तो देख लेना, हमारे मरने के बाद इन्हें कोई रोटी देने वाला नहीं होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे सुधारा जाए। तीनों भगवान भरोसे रहते हैं, मूर्ख है। वो ये नहीं जानते कि भगवान भी उन मेहनती लोगों का साथ देता है, इनकी तरह आलसियों का नहीं। अगर ये अब भी ना सुधरे ना तो देख लेना, बाद में बहुत पछताएंगे। इस तरह दोनों को चिंता उनकी बहुत सताती, पर नालायक लड़कों को उन पर दया न आती, पर नालायक लड़कों को उन पर दया न आती। अरे मस्ती करके वापस आते, अरे घूम टहल के शाम को वो घर को वापस आते। देखो, अरे अरे ये तो सोना है, सोना। अरे आए तो सोना है धर्म से। मैं भी कहता था जब जब जो जो होना है तब तब सो तो होता है। आराम से हो गया। अब मैं इस सोने से काल खरीदूंगा, काल में कबूतर पालूंगा, फ्लीस खरीदूंगा जिसमें भैंस के लिए भूसा डालूंगा, एक वॉशिंग मशीन भी खरीदूंगा जिसमें रस्सी बनाऊंगा, और एक कलर टीवी खरीदूंगा, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी,
बीवी ऑन करके टीवी नहीं 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 टीवी ऑन करके बीवी के साथ आराम करूंगा आराम से। अरे सपने मत देख चल भी। ऐसा करते हैं जल्दी जाकर अम्मा और पिताजी को बताते हैं हमें सोना मिला है सोना। हाँ चलो चलो जिसे समझ रहे थे वो असल सुने का सिक्का अफसोस लेकिन वो था केवल पीतल का सिक्का। सोने और पीतल की पहचान नगर होती सोने और पीतल की पहचान नगर होती तो जाना जाते हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अरे मूर्खो जिसे तुम सोना कह रहे हो ये पीतल है पीतल। पीतल? ये पीतल है। हाँ हाँ पीतल है। अरे पिताजी अब अगर हमारे भाग्य में पीतल लिखा होगा तो फिर हमें सोना कैसे मिलेगा। हाँ पिताजी इसलिए जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। आराम करो आराम। अरे बेटा जब जब तब तब से जीवन नहीं चलता। कई बार कह चुका हूँ कि आलस छोड़ो और मेरे साथ खेतों में चल के काम करो। पिताजी आप हर वक्त हमारा मजाक उड़ाते रहते हो। देखना हम एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेंगे। चल छोटू चलो भाई चल, 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 ये तो बोलते रहते सखिया भी आलो। हे भगवान एक ब्राह्मण के घर में किन मूर्खों ने जन्म ले लिया। बेटों की चिंता में ब्राह्मण की हालत बदतर हुई आई मौत करी जिंदगी पल भर रह गई। ब्राह्मण का अंत समय जब आया बेटों को अपने उसने सब बुलवाया। बेटो मुझे लगता है मेरा अंत समय आ गया है। ऐसा मत कहिए आप। मैं जानता हूँ अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा पर बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोग दुखी रहो। अब पिताजी जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है। हाँ, और पिताजी ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अब आप है ना आराम से आराम करो बस। मैंने तुम लोगों को खूब समझाने की कोशिश की कि आलस छोड़कर कोई काम करो लेकिन लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। पर अब बेटा मेरे अंतिम समय में मेरी एक प्रार्थना तुम सुन लो। कहिए पिताजी कहिए। बेटा आज से बहुत दिन पहले मैंने अपने खेत में बहुत सा सोना गाड़ा था। सोना सोना पिताजी। हाँ बेटा तुम लोग ऐसा करना जी मेरे मरने के बाद पूरे खेत को जोत डालना। ठीक है पिताजी। और देखना कहीं ना कहीं तुम्हें सोना जरूर मिलेगा। मिलेगा और उस सोने से तुम अपनी जिंदगी खूब अच्छी तरह गुजारना। जी पिताजी जी पिताजी आप हमारी चिंता न करें। आप आराम से ऊपर पहुंचो हम इधर नीचे आराम से सोना निकालेंगे। और पिताजी फिर वो जब जब जो जो, जो होना है तब तब वो होता है। ये आप आराम करो आराम करो आराम करो पिताजी आराम। समझो कर बेटों को ब्राह्मण गया परलोक सीधा मरते मरते वो बेटों का कर गया था। सोने के चक्कर में लगे अपना भाग्य खोजने ब्राह्मण के मरते के बेटे लगे खेत।
पता नहीं पिताजी ने सोना कहाँ दबा रखा है, आधा खेत खोद डाला, धर्म से पता ही नहीं चल के दे रहा है। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, इसलिए आराम करो आराम। अरे भाइयों खेत खोदते रहो, किस्मत का कुछ पता नहीं, पता नहीं कब चमक जाए। चलो खोदो खोदो। पिताजी ने हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। अरे भाइयों पूरा खेत खोद डाला, सोना तो कहीं मिला ही नहीं। लगता हमारे भाग्य में सोना लिखा ही नहीं है। जब जब जो जो हो जब, तेरी इस जब जब हम लोगों को पागल कर दिया। हमारी पूरी मेहनत तो बेकार हो गई, अब इस खेत का क्या करें? अब करना क्या है, जो खेत खोदा है मट्टी वापस डाल देते हैं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जब जब जो जो जब माने ना है वो ही जब तीनों ने खेत दोबारा भरने की ठानी, दोबारा भरने की ठानी। इस तरह तीनों ने खेत दोबारा भरने की ठानी, दोबारा भरने की ठानी। तभी मिली उन्हें एक औरत जो थी सारे गांव की नानी, जो थी सारे गांव की नानी। जब तीनों ने नानी को सारी बात बताई, नानी को हंसी बहुत जोर से आई, बहुत जोर से आई, बहुत जोर से आई। अरे मूर्खो, तुम तो निरे मूर्ख के मूर्ख ही रहे, गवार के गवार ही रहे। हाँ क्या कह रही हो रामती नानी, हम मूर्ख नहीं है, इस पूरे गांव में हमसे अकलमंद कोई नहीं है, है कोई? नहीं नहीं है। अकलमंद नहीं, अकल बंद कहो, अकल बंद। नानी तुम हम सब लोगों का मजाक उड़ा रही हो। धर्मते एक तो पिताजी के कारण हम पहले से बहुत दुखी हैं, और ऊपर से तू हमारे जख्मों पे नमक छिड़के जा रही है। अरे बेटा तेरा पिता तो बहुत बुद्धिमान था, उसने अपने खेतों में सच में सोना गाड़ रखा था, सोना। तो कहाँ है सोना नानी, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? चुप कर, आराम कर आराम चुप। इसलिए बेटा कि तुम तीनों पढ़े लिखे नहीं हो, आज अगर पढ़े लिखे होते तो इसी खेत से सोना उगा सकते थे। वो कैसे नानी? वो ऐसे बेटा कि पहले इस खेत में बीज बोते, फिर अच्छी तरह से सिंचाई करते, अच्छी सी खाद डालते, फिर इसी खेत से तुम तीनों सोना उगा सकते थे। नानी कैसा हो सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता, आराम से। हाँ नानी ये सब बातें तुझे कैसे पता चली? बेटा इसीलिए पता चली क्योंकि मैंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से पढ़ाई की थी, आज मुझे खेती के बारे में सारी जानकारी है, और अब तो मैंने अपने खेतों के लिए सरकार से ऋण भी ले लिया है। अरे नानी तू तो बहुत तेज निकली। हाँ बेटा अब तुम तीनों भी तेज बन जाओ, अपना आलस छोड़ो और धन कमाओ धन, कुछ नाम कमाओ नाम। नानी आज है ना आपने हमारी आंखें खोल दी, आज मुझे पता चला जब जब वही होता है जो इंसान ठान ले। हाँ। इंसान का भाग्य उसके अपने हाथों में होता है, धर्म से अगर वो चाहे तो उसे बिगाड़ सकता है और चाहे तो उसे बना सकता है। आज हमें असलियत का पता चला है नानी। नानी मैं आज ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर ना दाखिला ले लूंगा आराम से, और अपने खेतों से सोना उगाएंगे। हाँ नानी इससे शायद पिताजी की आत्मा को कुछ शांति मिले। हाँ बेटा बड़ों के आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेंगे। मिट्टी ही सोना है, मिट्टी ही सोना है। नानी उनसे मिट्टी ही सोना है, मिट्टी।
आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। आप लोग यहाँ? जी हम लोग हरि और सरिता को बधाई देने आए थे। इन लोगों ने जो काम किया है, वाह जीते रहो बेटा। वैसे सरिता को पढ़ी लिखी नानी के रूप में देखकर आप लोगों को यह एहसास तो हो गया होगा कि पढ़ाई लिखाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हर रोज नौटंकी देखने से हमारा शौक और भी बढ़ गया है और हर रोज पढ़ाई लिखाई के नए नए फायदों के बारे में मालूम पड़े हैं। तो आज क्या मालूम पड़ा? जी कि पढ़ाई लिखाई किस्मत के लिखे को भी बदल सके है और शिक्षा अकल के अंधे को भी ठोक पीट कर बराबर कर सकती है। ताऊ डंडा क्यों मार रहे हो? ऐसे बोलो, शिक्षा इंसान में बुद्धि को बढ़ावा देवे है। और शिक्षा का एक फायदा यह भी है कि वो उसे बातचीत करने का सभ्य तरीका भी सिखाती है, क्यों रजनी जी? और इस कहानी से हर बार की तरह इस बार भी ये सबक मिलता है कि शिक्षा से हमें जो भी ज्ञान मिला है उसे दूसरों में बेधड़क बांटो। शाबाश। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कल आप प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में और लोगों को भी पढ़ाने के लिए लाएंगे? इंशाल्लाह जरूर। आप देखिएगा, दो चार दिन में इस गांव का हर बड़ा बूढ़ा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ने आएगा। एक दिन इस गांव का हर बड़ा बूढ़ा पढ़ा लिखा होगा। और अब वो दिन भी दूर नहीं जब इस देश का हर गांव, हर कस्बा, हर घर पढ़ा लिखा होगा।